मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के लाडले विधायक श्री श्याम बिहारी जायसवाल के द्वारा चिरमिरी की कई स्थानों पर भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन भवन निर्माण और स्थानीय सौंदर्यीकरण के लिए किया गया। विगत कई वर्षों से चिरमिरी में रहने वाले स्थानीय लोगों की मांग थी कि चिरमिरी और अखंडगवा को जोड़ने वाले रोड से सफर करने वाले बेहद परेशान होते हैं और हादसों का डर यहां बना रहता है और लोगों को समस्याओं को देखते हुए जायसवाल के द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए का कार्य स्वीकृत किया गया है। साथ ही विधायक ने कई करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। हेलो ये जो आज आपके द्वारा भूमि पूजन किया गया, इसके विषय में पूरी जानकारी देंगे। आज के भूमि पूजन काफ़ी पुरानी लंबित मांग इस क्षेत्र की रही है, क्योंकि खड़गवा और चिरमिरी सदैव एक दूसरे के पूरक रहे हैं और यहाँ के लोग और खड़गवा के लोग दोनों तरफ के लोग आना और जाना इस मार्ग से करते हैं। तो चिरमिरी मुख्य मंदिर शिव मार्ग से लेकर भुकभुकी तिराहे तक का जो रास्ता है, बड़ा सुनसान रात में रहता है, तो उसकी पूरा मुख्य मार्ग से लेकर भुकभुकी तिराहा तक ट्यूबलर पोल का वहाँ जो स्थापना किया जाएगा। साथ ही मुख्य मार्ग से शिव मंदिर तक सड़क नया बनेगा। शिव मंदिर के पास रिटर्निंग वाल का निर्माण होगा ताकि वो तिराहे में दुर्घटना होता है उसको रोका जा सके। इसके अलावा 19 लाख रुपए का सौंदर्यीकरण कार्य भी है ताकि वहाँ शिव मंदिर और आसपास में जो एक मंदिर है वहाँ गंदगी रहता है, पानी भर जाता है, एक भजन लाइक माहौल नहीं बनता है, तो इस प्रकार से वहाँ एक बढ़िया वातावरण बनेगा। इसके अलावा शिव मंदिर से लेकर भुकभुकी चौक तक पूरा वो सड़क में खतरा रहता है, तो उसके लिए 49.5 लाख रुपये के रिटर्निंग वाल का निर्माण का स्वीकृति भी दिया गया है। इस प्रकार से पूरा 1.63 करोड़ रुपये की भूमि पूजन का कार्य आज पूरा किया जा रहा है। इसमें इस क्षेत्र में ही मुख्य मार्ग से लेकर भुकभुकी तिराहा तक के बीच में लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की राशि सिर्फ यहाँ लग रहा है। मुझे लगता है इसके बनने के बाद शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र एक हो जाएंगे। आपके द्वारा किन किन स्थानों पर आज भूमि पूजन किया जाएगा? आज मेरे द्वारा विभिन्न स्थानों पर भूमि पूजन किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से एक राधा कृष्ण मंदिर हमारे चिरमिरी क्षेत्र का एक गौरव रहा है। चिरमिरी जब से स्थापित हुई है लगभग उसी समय से 1932 से स्थापित राधा कृष्ण मंदिर को ये पहली बार कोरिया जिला में हुआ होगा कि किसी मंदिर के लिए 10 लाख रुपये राज्य सरकार ने एक मुफ्त राशि दिया हो और धार्मिक धर्मस्व विभाग ने 10 लाख रुपये मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दिया हुआ है और उस राधा कृष्ण मंदिर का भी हम भूमि पूजन करेंगे। साथ ही क्षत्रिय महासभा हेतु 10 लाख रुपए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था उसका आज भूमि पूजन कार्य किया जाएगा डोमन हिल का। साथ ही जो हमारे चिरमिरी क्षेत्र के ऐतिहासिक धरोहरों में से स्वर्गीय दुबे जी, जो जिनकी स्मारक स्वर्गीय भागवत प्रसाद दुबे जी के पिता श्री जी का, उनके स्मारक का जो वहाँ पास जीर्णोद्धार किया जाएगा और नवीनीकरण किया जाएगा, उसकी भी भूमि पूजन कार्य होगा। साथ ही जो पेयजल संकट को देखते हुए पौड़ी क्षेत्र में एक पानी की टंकी का भूमि पूजन कार्य विधायक निधि से किया जाएगा और जो हल्दीवाड़ी का राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ गेट निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की भूमि पूजन कार्य। उसके अलावा जो राम जानकी मंदिर है वो हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके बैठने के लिए शेड की व्यवस्था नहीं है और सामुदायिक भवन नहीं है वहाँ उपयोग के लिए, तो उनके लिए 11 लाख रुपए की मैंने आज विधायक निधि से राशि दिया है, उसका भूमि पूजन कार्य करूँगा। और इसके अलावा जो सीताराम मंदिर जो डोमन हिल है वो भी काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो सामाजिक एक सहभागिता होना चाहिए, वहाँ भी बाउंड्री वाल नहीं था, उसके लिए भी मैंने 3 लाख रुपए की राशि दिया है। इस प्रकार 1 करोड़ 63 लाख रुपए की
राशि की लागत से भूमि पूजन कार्य विभिन्न स्थलों पर आज किया जाना है। और मुझे लगता है कि ये काम छोटे छोटे जरूर हैं लेकिन लोगों के जीवन के लिए बड़े ही एक महत्व रखने वाले हैं। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये कार्य जब पूर्ण हो जाएगा तो लोगों को एक बहुत ही अच्छा एहसास होगा।